मुख्यमंत्री पद के तौर पर सबसे पहली पसंद आखिर वो कौन सा चेहरा रहा जिसको लोगों ने चुना है। हमारे इस एग्जिट पोल के हिसाब से तो आपको बता दें, तेजस्वी यादव 44% लोगों की पसंद, जबकि नीतीश कुमार उनसे 9% पीछे 35% के साथ रह जाते हैं। और यहाँ पर 31 साल के तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के ऊपर बड़ी बढ़त बना ली है। बस कुछ ही देर में बिहार की सीटों का पूरा आंकड़ा, जिन 243 सीटों का आप इंतजार कर रहे हैं कि अब की बार बिहार में किसकी बयार, वो पहला आंकड़ा आपके सामने हम रखेंगे। लेकिन चुनाव में मुख्य मुद्दा विकास का 42%, बेरोजगारी 30%, और यही वो दो मुद्दे रहे जिन्होंने पूरा का पूरा चुनाव चेंज करके रख दिया है। अंजना, बिल्कुल, और जिस तरह से चुनाव ये बदला है उसमें क्या महत्वपूर्ण है अगर आप वोटर के नजरिए से देखें, तो अब हम बात करने वाले हैं महिला मतदाता के बारे में। हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये हमेशा बिहार में कहा जाता है कि क्या उन्होंने, चाहे वो लड़कियों के लिए साइकिल का मुद्दा हो, चाहे शराबबंदी हो, चाहे पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षण हो, इन मुद्दों के जरिए लोकप्रिय बने महिला मतदाता के बीच में नीतीश कुमार। और ये है वो आंकड़े जो अब सामने आ रहे हैं, तो आपको हम बता देते हैं बिहार का ये एग्जिट पोल, जिसमें जेंडर वाइज, यानी जब आप महिलाओं के हिसाब से देखते हैं, तो 42% महिलाएं एनडीए के लिए वोट करती हैं और 37% पुरुष, जबकि तेजस्वी यादव यानी महागठबंधन के लिए 43% महिलाएं, 1% ज्यादा। यानी यहां पर महिलाओं में भी लोकप्रियता के पैमाने में आगे निकलते हुए तेजस्वी यादव, 44% पुरुष, 7% एलजेपी के लिए महिलाएं, 7% पुरुष। रोहित, चुटकुला नहीं है, सीरियसली बता रहा हूँ, खबर छपी, बकायदे पढ़ी मैंने कई जगह, और आज तक पर भी छपी थी कि आरजेडी ने एक तरीके से हेल्पलाइन सी शुरू की व्हाट्सएप के जरिए, तो उसपे तेजस्वी यादव के लिए रिश्ते ज्यादा आ गए शिकायतों की वजह। ये आंकड़ा अपने आप में इशारा करता है कि एक, क्या लोग नीतीश कुमार से बोर हो गए, पहली बात, और तेजस्वी में वो फ्रेशनेस महसूस कर रहे हैं कि भाई एक नया चेहरा है और इससे कुछ उम्मीद कर सकते हैं। इस पर गुप्ता जी और प्रभु चावला आप दोनों से कमेंट लेंगे। उसके साथ साथ जरा उम्र के हिसाब से भी ये कहा जा रहा था कि आयु वर्ग, जिन लोगों ने लालू यादव का राज देखा है वो तेजस्वी के लिए मुश्किल से वोट करेंगे, और जिन्होंने कोई सरकार लालू यादव की नहीं देखी वो नीतीश कुमार की बजाय तेजस्वी पर जाना पसंद करेंगे। क्या ये आंकड़ा भी वही कहता है? 18 से 25 साल की उम्र के 34% लोग नीतीश कुमार को पसंद करते हैं, लेकिन 47% लोग महागठबंधन को पसंद करते हैं। 26 से 35 की उम्र के 36% लोग एनडीए को, नीतीश कुमार को पसंद करते हैं, लेकिन 47% लोग महागठबंधन को पसंद करते हैं। अब आइए 36 से 50 की उम्र के लोगों पर, तो 42% अगर एनडीए को पसंद करते हैं, नीतीश कुमार को पसंद करते हैं, तो 41% ऐसे भी हैं जो तेजस्वी यादव और महागठबंधन को पसंद कर रहे हैं, और 51 से 60 की उम्र का जो वर्ग है उसमें 45% लोग नीतीश कुमार को और 40% लोग महागठबंधन को यानी तेजस्वी को प्रेफर कर रहे हैं, और 61 साल और इससे ऊपर के 48% लोगों को एनडीए यानी नीतीश कुमार पसंद है, और 38% लोगों को महागठबंधन यानी कि तेजस्वी यादव पसंद है। प्रभु जी, एक कमेंट आपका जल्दी से, उसके बाद शिक्षा की भी और व्यवसाय की भी, कि काम कौन सा करने वाला व्यक्ति किसको पसंद करता है उसकी करेंगे। देखो जी, आपने आखिरी आंकड़ा दिया कि जितने सीनियर लोग हैं वो सीनियर सिटीजन के हिसाब से एनडीए को प्रेफर कर रहे हैं। ये एक उनके लिए घंटी है खतरे की, कि आप जो जवान हैं आपसे खिसकता चला जा रहा है तेजस्वी। उन्होंने लालू की पीढ़ी को देखा, लालू की पीढ़ी, लालू को लगता है नौजवान, जैसे इन्होंने कहा अभी रोहित ने, कि लालू थे नहीं इसलिए नई जवान जुड़ी जो आती है। मैं जो आंकड़े देख रहा हूं कि 25% वोटर बिहार के अंदर 18 से 30 साल के अंदर है, और उसके अंदर अगर बेरोजगारी देखें तो 33% बेरोजगारी है। ये बबुआ हमारा जो है, तेजस्वी को बबुआ मान लेना, अपनी हम उम्र का मान लेना, उनकी भाषा बोलता है, उनकी तरह पहनता है, कोई उसमें दिखावा नहीं है। लोग उनके खिलाफ जो लगता था कि राहुल गांधी के खिलाफ होता है कि वो गायब हो जाते हैं, तेजस्वी अपने रणभूमि से गायब नहीं हुए, जनता के साथ जुड़े रह गए, जबकि नीतीश कुमार रणनीति छोड़ करके कहीं पता नहीं कहाँ छुपे हुए थे। तेजस्वी का ये रहा कि बहनों के साथ लगता कि भाई है हमारा आ गया, माओ के साथ लगता कि हमारा बेटा आ गया है, उसका बाप जेल के अंदर है, वो भी सिमती भी हो सकती है, एक तरह से नेगेटिव सिमती भी होती है कई बार। तो मेरे को लगता है कि तेजस्वी ने अपने आप को जो पोजिशनिंग की है वो ये पोजिशनिंग की है कि मैं एक नया चेहरा हूँ। 2019 में ये सिंपैथी क्यों नहीं जुड़ी? 2019 में मोदी जी थे,
आप बार बार 2019 आप देखिए 2014 में जुड़ी 2015 में भी जुड़ी मोदी के साथ। सवाल यह है कि जो बार रिपीट हुआ जो 2015 दोबारा से रिपीट हो रहा है, ये बता दिया लालू ने कि मेरी वजह से, मैं अब उस बात को दोबारा रिवर्स कर रहा हूँ, 2012-15 के अंदर लालू अगर नीतीश के साथ नहीं होते, शायद नीतीश सरकार तब भी नहीं थी। मैंने शुरू में कहा कि नीतीश अपने बलबूते पर मुख्यमंत्री बने नहीं एक बार भी, तो 2020 में उन्होंने दिखा दिया कि नीतीश कुमार जी तेजस्वी भी मेरा बेटा जो है वो भी आपको चित कर सकता है, नई चेहरे से, नई चलन से, नई बात से, उन्होंने सब कुछ दिखा दिया। संजय मयूख जी, जल्दी से एक सवाल आपसे लेते हैं। अभी तक जितने भी आंकड़े आ रहे हैं, चाहे वो लोकप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर हो, महिलाओं में लोकप्रियता हो, उम्र के हिसाब से जरूर है जिन्होंने लालू राज को देखा है वो पीढ़ी शायद आपकी तरफ है, वरना बाकी सारे संकेत नकारात्मक अभी तक आते हुए। संजय जी, हाँ, लगभग 15 मिनट से मैं गुणगान सुन रहा था। प्रभु जी, सम्माननीय प्रभु जी को तो बहुत सालों बाद मैंने टीवी पे देखा है, बहुत पढ़ा है उन्हें और बहुत टीवी पे देखा भी है, लेकिन आज कहने में कहीं गुरेज नहीं है कि प्रभु जी को जितने दिनों बाद मैंने देखा है, शायद उतने ही दिनों बाद प्रभु जी ने आज बिहार को देखा है। क्योंकि बिहार के जिन चीजों की चर्चा वो कर रहे हैं या कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, शायद उनको मालूम नहीं है पूरे कोरोना काल में माननीय तेजस्वी जी नहीं निकले थे, शायद उनको नई जानकारी है विधानसभा के सत्रों में गैर हाजिर रहे हैं तेजस्वी जी। तो आपने कह दिया कि सीधे जनता से जुड़े हुए, जनता से जुड़ने का मतलब है जन सरोकार, और जन सरोकार से अलग रहे हैं। और सबसे पहली बात, जहां तक मेरा पहला सवाल था कि आपने विकास के मुद्दे पर जो वोट कराया वो 44% या 42% 44% आपने दिया है, तो विकास का पर्याय नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार है। और परिणाम आने दीजिए, परिणाम का इंतजार करिए। तेजस्वी जी के नाम बड़े जरूर हैं लेकिन दर्शन बहुत छोटे हैं। इन दर्शन के छोटे होने के कारण बिहार के मतदान में कहीं ना कहीं हमें जीत मिलेगी। और जो लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, इन लोगों ने 70 वर्षों तक, और साथ में लालू यादव के साथ भी, शायद याद होगा आप लोगों को, लालू यादव के साथ भी सरकार चला रहे थे, इन लोगों ने कुंडली मार कर बैठी थी और हमने बिहार में विकास की गंगा बहाई है। निश्चित तौर पे थोड़ी प्रतीक्षा करिए, 10 तारीख को जब परिणाम आएगा तो हमारे पक्ष में आएगा, हम कहीं से आपकी बातों को नहीं नकारते हैं।